मेरा नाम मुशाहिद खान है, और नहीं देखा होगा तो आप YouTube पे देख लेना, मुशाहिद खान के नाम से मेरा YouTube चैनल है। तो इस तरह की एक्टिविटी करते रहता हूँ मैं, और ये मेरे वालिद साहब हैं, और इनसे ही हमने सीखा है कि किस तरह से अपने बड़ों की खिदमत करनी चाहिए, और किस तरह से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको सहारा देना चाहिए। हमारे चौधरी साहब हैं, चौधरी आबिद साहब हमारे ताऊजी हैं, हरीश भाई हैं, दीदार भाई आ जाओ, आ जाओ यार। तो पूरी ये वो लोग हैं जिनको देख के हम बड़े हुए और जिनको देख के हमने ये काम सीखा। तो अभी इंशाल्लाह ये हमने एक छोटी सी कोशिश की है आप लोगों के लिए, जो हमारी बहन है वो ट्राइसिकल पे चल सकते हैं ट्राइसिकल देंगे, व्हील चेयर चल सकते हैं तो व्हील चेयर देंगे। तो अब शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह हमारे चचा से। चचा का नाम क्या है साहब? मोहम्मद याकूब नाम है आपका। तो आपको ये पैर कैसे कटा आपका? इसके नसबुलों हो गई थी सर। जी जी। और उसके बाद में इसमें गैंग्रीन बन गया, काला पड़ता चला गया ये। जी जी। अस्पतालों में भी जवाब दे दिया तो पैर कटवाना पड़ा। तो कुछ सहारा मिलेगा, खुश हो आप? आइए, खुश है, सहारा मिलेगा अल्लाह ने चाहा तो बढ़िया। जी जी, आइए चले। चला के देखो एक बार, आदत हो जाएगी, घुमा के लाओ। अब आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे सोनू भाई हैं, सोनू भाई चल के दिखाओ एक बार। ये दोनों पैरों से माजूर हैं और 100 मीटर भी नहीं चल सकते, 100 मीटर पे चलने पे भी इनको तकलीफ होती है। एक बोलते हैं मुशाहिद भाई मेरा सांस चढ़ने लगता है, ये पूरे दोनों पैर इनके डैमेज हैं, थोड़ी दूर चलते परेशानी होने लगती है। परेशानी हो जा मुझे थोड़ी दूर चलते ही पैदल। तो अब ये कुछ इससे कुछ सहारा लगेगा आओ जी। ये भी आराम से रखी जाएगी इसमें साइड में। क्या नाम है आपका? समर नाम है। समर नाम है आपका जी। पढ़ते हो आप? जी नहीं। काम वाम करते हो? जी काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो मतलब शुरू से ही आपको पोलियो है? जी शुरू से पोलियो। चलो इंशाल्लाह अच्छी, ठीक है आओ चलो। चला लो ना समीर भाई जी। खुश हो? अल्लाह दुआ आपकी। चलो दुआ देना बस, ठीक है दुआ आप भी वहीं लगा लो। देखिए हमारा भाई चल नहीं सकता, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको इसके पैर दें, कम से कम इससे चल पाए। आइए, क्या नाम है आपका? अशरफ खान। अशरफ भाई, क्या करते हो अशरफ भाई? कुछ भी नहीं। तो अभी जब आपको बोला गया था, अब यकीन था कि मिलेगी आपको, या बस ऐसे था कि बस मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं यकीन तो था सर। हाँ देखी ना मैंने आपकी वीडियो, देखी मोबाइल पर। अच्छा अच्छा। हाँ जो जो है सामान वो इलवाते हो या सो। अच्छा सही देखी मैंने वीडियो, मिलना भी चाह रहा था मैं आपसे। अच्छा चलो मिल गए, खुश हो ना? खुश बिल्कुल, बढ़िया। क्या नाम है आपका? बासो है जी। बासो, बासो नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? चिरौड़ी। चिरौड़ी रहते हैं। अच्छा चले भाई आइए, आ जाओगे या मैं गोद में लूँ? ये हमारे हरीश भाई है, और हरीश भाई बहुत अच्छे नेक दिल इंसान है, और ये हमेशा हमारे कंधे से कंधा मिला के साथ चलते हैं। तो हरीश भाई ने ये हमें बताया था कि भाई दो लोग हैं, इनको बेहद ज़रूरत है। हरीश भाई हमेशा आप लगे रहते हो समाज सेवा में। मुशाहिद भाई, समाज सेवा ही एक ऐसा माध्यम है जी, गरीबों की मदद करने से मन को सुकून मिलता है जी। राजनीति तो सभी करते हैं, लेकिन वास्तविक सेवा यही है जी। सब अपने लिए करते हैं, जो दूसरों के लिए करें वही जन सेवा कहते हैं, नर सेवा नारायण सेवा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कुछ नहीं करता, आप बहुत बड़े काम करते हैं। अरे नहीं, वो तो लगातार करते रहते हैं, आपके जैसे सेवा तो नहीं हो पाती, नहीं लगा रहता हूँ थोड़ा। नहीं नहीं, ये तो करना चाहिए। तो आप खुश हो आप जी? तो जब हरीश भाई ने आपको बताया था, यकीन हो गया था कि हाँ मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं जी यकीन है जी, प्रधान जी हैं जी। जी जी जी। क्या नाम है आपका? परवेज। परवेज भाई, पढ़ते हो या कुछ काम करते हो? पढ़ता भी हूँ, काम भी करता हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में? 12। करो करो करो, निकल गई। देखो ऐसे ऐसे लोगों को आपके सहारे की ज़रूरत है। ये वो लोग हैं जो कभी हिम्मत नहीं हारते, पढ़ाई भी करी इस बच्चे ने, और आज मुझे बेहद खुशी है कि मैं इनके लिए कुछ कर पा रहा हूँ। चोर साहब तो खुश हो? परवेज भाई तो कुछ ना कुछ तो सहारा लगेगा ना, इसे चला लोगे? बहुत जी।
आने जाने की परेशानी खत्म हो जाएगी। जी जी जी। और स्कूल से तंगी खत्म हो जाएगी। तो आप स्कूल पढ़ते, 12th क्लास में पढ़ते हो आप? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यार। क्या नाम है आपका फैन? बेगम नाम है आपका। हाँ। आप इनकी अम्मी हैं? तो ये शुरू से इनको पोलियो है क्या है? पोलियो ही है शुरू से। अच्छा, तो कभी कोई मिली गाड़ी वगैरह? कुछ नहीं मिली जी। और कभी इतना पैसा हुआ नहीं कि जोड़ के 6-7 हज़ार की गाड़ी खरीद लें बच्चे के लिए? मैंने एक दफ़ा और देखा था आपसे, 1-1.5 साल पहले मदरसे में मिली थी, तब आपको नहीं मिली थी वो, है ना? नहीं, उस टाइम पे हमें नहीं मिली थी वहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, उस अपनी तो अब हम कर रहे हैं, आप बैठ के दिखाओ उस पर आ जाओ। पहले इस हमारी बहन को इतनी परेशानी होती थी कि इनको बिठा के साइकिल पे बिठा के इनके वाले इनके भाई इनको लेके जाते थे। आप चला लोगे ये? खुश हो आप? अब कम से कम किसी के सहारे की जरूरत तो नहीं है, खुद अपनी गाड़ी लेके जा सकते हो, आसपास बैठ सकते हो जाके? जी हाँ। कुछ कहना चाहोगे? जी नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चल, क्या क्या नाम है आपका? मैं यास्मीन। तो रो क्यों रही हो आप? दो बच्चे हैं हमारे इसे। अच्छा। एक लड़का भी है 20 साल का। जी। एक ये लड़की है। तो घर में कमाने वाला कौन है? बस इनके बाप हैं, अब लगी है, उनका भी पेट टूटा हुआ है। जी। और जो बच्चे हैं वो अलग है। और दूसरा जो बेटा आपका, उसको वो भी ऐसा ही है? हाँ, वो थोड़ा सा टट्टी पिसाब को तो अपने आप से चला जाता है, ये नहीं जा पाती, इसे उठा बैठा के जाना पड़ता है। अच्छा, कितने साल की बच्ची है? ये हो गई 18-19 साल की। 18-19 साल की बोलती है? हाँ। बोलते हो बेटा? हाँ। क्या नाम है आपका? अंजुम। अंजुम, अंजुम पढ़ाई करते हो आप? नहीं। नहीं करते आप पढ़ाई? तो क्या क्या अच्छा लगता है आपको? खेलना अच्छा लगता है? बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है? जाते हो खेलने कभी? नहीं। क्यों नहीं जा पाते? इस वजह से कि आप जा नहीं सकते? हाँ। जी हाँ। तो अब तो जा पाओगे ना? हम आप आपको व्हील चेयर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है? चलो उन दीदी को देख आते हैं, ठीक है? लो गुड़िया बेटा, बिठाऊं इसे? आप बिठा दोगे? चलो कम से कम आप किसी के सहारे की जरूरत नहीं, आप बिठा सकते हो इसे, इसको कहीं घुमा सकते हो आप। मोहम्मद मोबिन जी, तो आप पढ़ते हैं भाई? जी सर। कौन सी क्लास में? मैंने एमए किया है इस बार। माशाल्लाह, तो एमए, तो फिर टीचर वगैरह का फॉर्म वॉर्म नहीं करा? जी टेट वगैरह नहीं किया? अभी बीएड के लिए अप्लाई करूँगा। आप बीएड के लिए अप्लाई? माशाल्लाह, देखिए लग जाओगे आप, ठीक है ना? ज़रूर लगोगे, मेहनत से जब काम करोगे ना इंशाल्लाह, अल्लाह सबके साथ में, वो मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होने देता, ठीक है ना? वो क्या नाम बताया? नाम मोहम्मद मोमिन। मोहम्मद मोमिन नाम है हमारे भाई का। लाओ व्हील चेयर लाओ इनके लिए। अब आप हो गए उड़ने के लिए तैयार, ठीक है? इंशाल्लाह, ठीक है ना? आपको तो पता ही है कहाँ से रोकनी है, कैसे करनी है इसको, ठीक है भाई? आओ बा, क्या नाम है आपका? सलमू। हाँ। तो कितनी उम्र है आपकी? 60-70 साल की। 60-70 साल की। चला लोगे आप रिक्शा ये? हाँ। पक्का? घर में कौन कौन है? घर में सब 12 के। अच्छा, आ जाओ चलो। ये हमारे बाबा हैं, इनकी उम्र करीबन 70+ है और चल नहीं सकते, लेकिन एक थोड़ी सी कोशिश की हमने कि हम इनको एक सहारा दे देंगे कि जिससे कम से कम ये चल पाए। चला लोगे आप? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटी सी कोशिश किया है, जो हमारे भाई थे जो दिव्यांग थे, जो माजूर थे, पैरों से चल नहीं सकते थे, उनको थोड़ी सी कोशिश दी है कि एक ट्राइसिकल दी है और व्हील चेयर हमने इनको बांटी है कि कम से कम वो किसी के सहारे के मोहताज ना हो। और बस उनके चेहरे पे अजीब सी खुशी थी, कुछ हमारी बहन थी वो तो रोने भी लगी थी। और मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों का सहारा बनो, ऐसे लोगों की दुआ कभी खाली नहीं जाती। इस तमाम हमारे काम में जो हमारी कंधे से कंधा मिला के चले, वो अलमिस्किन फाउंडेशन UK, जिनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ उनका, क्या उसने हमारी इस मुहिम को हेल्प की। और आप भी अपने इलाकों में देखिए, ऐसे लोग मिलेंगे आपको
जो आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। गांव अक्सर गांव में देखिए, गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जो सालों से जिनके पास न साइकिल है न बैसाखी है, तो ऐसे लोगों का सहारा बनिए, ये बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ी अल्लाह जिसको कबूल करता है उसी से ये काम लेता है। तो आप भी आगे आइए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती रही। बहुत बहुत शुक्रिया।